जब ये लव कटारिया बाहर आएगा ना, तो भाई हम दोनों वहां बैठे हुए थे और भाई वो लोग प्लान कर रहे थे कि लव कटारिया का एक बड़ा सा पोस्टर लगाएंगे, लेकिन एकदम से फोन आता है और उसमें बताया जाता है कि भाई लव कटारिया का तो बिग बॉस से कर दिया गया बाहर। तो बाहर तो आ, तेरे लिए काम इंतजार कर रहे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत आप सबका आज के व्लॉग में। और भाई मौसम हो रहा है जबरदस्त, लेकिन भाई आपको तो पता ही होगा यार बिग बॉस में क्या हुआ। बिग बॉस से गाइस लव कटारिया को भाई बाहर कर दिया गया है। अभी मैं ना गया था फ्यूजन कार्स के पास, ठीक है, अपने गौरव भाई के पास। तो भाई हम यही बात कर रहे थे कि मीटअप कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्योंकि गौरव और तरुण भाई दोनों गए थे मीटअप में। तो मैंने यही बात करी, मगर भाई मीटअप में गए थे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो भाई सब बताया कि मज़ेदार था, ये था वो था। लव कटारिया बहुत ही तगड़ा कंटेस्टेंट है, इतनी भीड़ आई थी उसके लिए, बढ़िया सिस्टम कर रखा था मतलब, और होपफुली लव कटारिया ही विनर बनेगा। बट भाई आप मानोगे नहीं, सिर्फ उसके आधे घंटे बाद, मतलब हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं मैं और गौरव भाई बैठ के, मगर यार लास्ट टाइम पिछले वाले बिग बॉस में आपने फुकरा इंसान और एल्विश के लिए वो लगाया था ना अपने शोरूम के बाहर लंबा सा ऐसे वो बैनर, तो इस बार क्यों नहीं लगाया लव के लिए? तो कह रहे यार वो लगवा ही रहा हूँ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ लगवाने के लिए। तो भाई जैसे ही फ़ोन करा वैसी भाई खबर मिलती है कि कटारिया तो भाई बाहर हो गया। वो भाई गौरव भाई की शक्ल एकदम से ऐसे होगी, और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे देर से कि भाई कटारिया का क्या चल रहा है क्या नहीं, कि कटारिया विनर बन सकता है नहीं बन सकता, वो आप आगे देखना अभी ब्लॉग में जो हमने बातें करी थी उसके बाद से एकदम पता लगता है कटारिया तो बाहर। ओ भाई एकदम से ऐसे हो गया, सब शॉकिंग और कुछ समझ नहीं आया। वो कह रहे भाई कोई अब कोई ज़रूरत नहीं है पोस्टर लगाने की, बैनर लगाने की, क्योंकि अपना कटारिया तो बाहर आ गया है। अब वोटिंग वगैरह हुई थी, पर फिर क्या हुआ, बिग बॉस वालों ने वोटिंग अपनी इनसाइड वाली रखी कि घर के अंदर की वोटिंग मानी जाएगी, बाहर लोगों की वोटिंग नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ सीन हुआ है। अब फिर कटारिया बाहर आ गया है, तो पहले तो आप ये वाली क्लिप देख लो यार, जो मैं और गौरव भाई बैठ के बात कर रहे थे कटारिया के बारे में कि कैसे क्या कटारिया का चल रहा है और क्या होने वाला है। तो गाइज गौरव भाई हमारे साथ में, और ये अभी गए थे बिग बॉस का जो वो हुआ था अपना कटारिया का मीटअप हुआ था, हाँ लवकेश कटारिया का जो मीटअप हुआ था गुड़गांव के अंदर। मैं तो जा नहीं पाया भाई, मैं तो वहाँ था मुंबई में। अच्छा। मैंने हालांकि स्टोरी डाल दी थी लव के लिए। हाँ। तो मेरे को बताओ क्या माहौल चल रहा है, कैसा था मीटअप, कैसा हुआ पहले तो बताओ मीटअप। आप और तरुण भाई दोनों गए थे? हाँ दोनों गए थे। कैसा रहा मीटअप? भाइयों के लिए, दोनों भाई नहीं पहुंचेंगे तो कैसे बनेंगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल। 70,000 से 80,000 बंदा क्रॉस हो गया था हमारे सामने, ट्रैफिक पुलिस साइड हो गई, दिल्ली पुलिस साइड हो गई, क्योंकि उस वक्त रोड में हिल ही नहीं सकते थे। अच्छा। आप बाहर ये लगा लो, सपोज करो मीटअप से आप बाहर निकल गए और वो भी गलती से एंड टाइम में, मीटअप बंद होने के बाद निकले हो, तो तुम्हें 4 घंटे वहीं पे तुम ब्लॉक रहोगे। अच्छा। हाँ, तो हम जैसे बंदे जो आजकल प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी में चल रहे हैं, हमें पहले निकाल दिया गया। अरे वाह। भागते हुए आ गया लक्ष्य भाई हमारा, 2 मिनट में निकल जाओ, पूरी पब्लिक होटल की तरफ आ रही है, उनको पता चल गया क्रेटर्स होटल में। अच्छा। तो पूरा होटल इर्द गिर्द से ब्लॉक कर दिया कि जो जाएगा मिलके ही जाएगा। तो वो हटाया किसी तरीके से पुलिस ने, अब मेरे साथ भी सिक्योरिटी थी, मुझे तो इन दोनों सारे भाइयों ने हेल्प करके निकलवा दिया। और पब्लिक का जो क्रेज था वो बहुत ज्यादा था, मतलब आपने एक बार मुंह से बोलना है लव, वहां से 70,000 बंदे की आवाज आएगी कटारिया। जैसे एक वीडियो में मैंने बोला अरे वाह भाई बड़े पंजाबी हैं यहाँ, तो उस इस पंजाबी पन में ऐसा शोर आया कि वो कैप्चर कर लिया मोमेंट मैंने, कि यार एक पंजाबी शब्द में इतना शोर, तो मीटअप बहुत परफेक्ट, बहुत सुंदर भाई। ये तो होता ही है, देखो हरियाणवी पंजाबी यूपी वाले जो अपने देसी लोग होते हैं भाई, सारे दिल से सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, क्यों मानते हो भाई? बिल्कुल, ये ऐसे हो जाते, थोड़ा लोट जाते हैं। हाँ भाई लोट गए भाई। देखो जी मीटअप मानते हुए बात ना, कामयाब अपने लोकल लोग, देसी लोग, राजस्थानी लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं भाई। जब ये लव कटारिया बाहर आएगा ना, तब देखेगा कि भाई पब्लिक ने जनवन में चक्का जाम कर दिया, जनवन में सिस्टम 2.0 कर दिया। लव जिस दिन गया था ना, एंट्री मारी थी हमारे घर में, तो बिग बॉस रोज देखते हैं, तो उसने एंट्री मार के एक डायलॉग मारा था, ये सिस्टम 2.0 बैक। तो उसको बाहर आके दिखेगा कि यस सिस्टम 2.0 हकीकत में एक धमाका मचा रहा है। बाकी आप भी फॉलो कर रहे हो बिग बॉसी वाला? हाँ यार, देखो हमारी मजबूरी है, हमारे भाई गए हुए हैं अंदर, जो पब्लिक कहती है ना फेल हो गया, वो हो गया, अनिल कपूर है, सलमान नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है। जितने क्रिएटर के साथ जनता जुड़ी हुई है, अब कटारिया के साथ, एल्विश के साथ, ये बाबू भाई, जितने भी बंदे हमारी ब्रो से ना जाए, तहलका भाई, रचित भाई, तुम सबने जिसने स्टोरियां डाली, तो क्या तुम्हारे पब्लिक नहीं देखेगी? बिल्कुल बिल्कुल देखेगी। हमने भी ऐसे ही अपना भाई, वही तो यार, एक दूसरे को सपोर्ट करके भाईचारे में हमने भी सबको सपोर्ट करा। हम ये कहते हैं कि यूट्यूबर ही जीतना चाहिए। बिल्कुल भाई, जीतना यूट्यूबर। यार हमारी इंडस्ट्री से कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो वेरी वेरी प्राउड बात है यार। आई एम विद यूट्यूब कम्युनिटी, ये चीज मैं स्पेशली कहता हूँ। हूएवर इज द विनर, बट यार वो जो कंपटीशन है वो यूट्यूब तक ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूब की चीज को आगे लेके जा रहा है तो उसको तो सपोर्ट करना हमेशा बनता है। जैसे हम वहाँ पे गए कि जैसे एक वो भाई है रणवीर शौर्या, साई केतन, या ये सना मकबूल, जो क्रिएटर नहीं है, मेरी तरफ से वो विनर बनने ही नहीं चाहिए। विनर बनना चाहिए भाई कोई यूट्यूबर, दैट्स इट। और यूट्यूबर अभी एक ही है, लव, है ना? नहीं नहीं, उधर अरमान मलिक कृतिका मलिक है, वो भी तो है यार। तो यूट्यूबर तो दो तीन है, अभी तीन यूट्यूबर, शिवानी आउट हुई है, शिवानी आउट हो गई, विशाल भी आउट हो गया, दो आउट हुए अभी, तीन क्रिएटर अभी। वैसे फिनाले वीक चल रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये बताओ, आपको क्या लगता है कि टॉप थ्री कौन होंगे? देखो हम कोई भी अपनी एक्सेप्शंस दे दें, अपना कोई भी अनुमान, मतलब एक ऐसे अनुमान जरूरी नहीं है, वही जो चाहते हैं। हाँ जी, दिल से, दिल वाली बात बताओ। हाँ, हम अपने लव को आगे देखना चाहते हैं कि हमारा लव कटारिया जिसके सपोर्ट में हम गए हैं वो आगे जाए। और सेकंड, सेकंड तो जो टक्कर दे सकता है भाई हमारी तरफ से यूट्यूबर जाए, अरमान जाए। और थर्ड, थर्ड कृतिका है यूट्यूबर, बट वो अंदर अरमान के नजर नहीं, अरमान के साथ है वो, चलो उसको उसको उसकी जगह एक ही लगा लो, उसकी जगह। अरे नहीं नहीं, मैं भूल गया भाई, दो बंदे और हैं, सॉरी, एक नेजी और एक रणवीर शौर्या, ये दोनों अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा फोर में मैं इनको देख रहा हूँ, अरमान, लव कटारिया, नेजी और रणवीर शौर्या। सना मकबूल का भी चांस है वैसे? नहीं, सना मकबूल पर हाँ, वो उसने जो हरकतें करी है थोड़ा सा वैसे है। हरकत कोई भी किसी की गलत नहीं होती, एक हरकत वो गलत लगी मेरे को उसकी, जो वो वाली चीज थी जो उसने रणवीर शौर्या को बोली कि डाइवोर्स वगैरह की बातें अपने लड़के के लिए, मतलब वो सब चीज, वो थोड़ा सा एक इमोशनली गलत है। उसने जो शुरू से ही, अब रणवीर शौर्या जो भी बातें करता है शुरू से लेके आज तक, वो बंदा मुझे सही लगा ही नहीं। उसने तो जो सिंपथी कार्ड खेल लिया कि मैं इतना पुराना हूँ और उसके बाद भी मेरे पास काम नहीं है, कि रवि किशन आके उसको कह रहा है तू बाहर तो आ, तेरे लिए काम इंतजार कर रहा है, तो उसने सिंपथी कार्ड खेला, और उसके बाद अंदर उसका एटीट्यूड दिखाता है बोलने का, उसका बेढंग दिखाता है कि हाँ भाई क्यों तलाक हुआ होगा, तो वो चीज है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो लड़की जो है वो मुंहफट है, वो चीज सही है, पर ये चीज पर्सनली किसी को बोलना मेरे को थोड़ा सा वैसा लगा। ठीक है यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस शो में तो सब पर्सनली हो रहा है यार। उस शो पे सारे अटैक ही पर्सनली हो रहे हैं, तू एल्विश की दुम है, तू एल्विश का जो करेगा वो करेगा, तो तुम भी सब कुछ पर्सनली अटैक ही हो रहे हैं। तुमने मेरी वीडियो देखी बिग बॉस वाली और टिका के 45 मिनट्स की, बल्कि मेरे परिवार ने दो बार देखी, दो बार, रीजन बियॉन्ड दैट एक बारी में समझ नहीं आई होगी या हो सकता है इतनी मस्त लगी होगी दोबारा देखने का मन कर रहा हूँ। उनको जो करेक्टर तुमने साचे हैं, जिस ढांचे में, जिस ड्रेसिंग सेंस में, जिस ऑरे में, जिस हेयर स्टाइल में, मेकअप में, उन वो अगर वो एज्यूम कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, मतलब जो अंदर असली कंटेस्टेंट, हाँ, तो वो असली कंटेस्टेंट में ही उसके रूप को देख रहे हैं। एक्टिंग भी वैसी करने की कोशिश करी है एक्टिंग तो भाई सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी, सबसे बेस्ट है, बेस्ट सीन कौन सा? ये वाला कर गौरव भाई, ये जो तूने ऑके ऐसे करके वो ठर, मतलब वो वाला सीन लिया रहा थोड़ा सा, तो वो सही लगा। पर भाई एक्टिंग है यार, हर टाइप की एक्टिंग करना आना चाहिए एक्टर को, ठीक है, रोमांटिक, एग्रेसिव, ठीक है, कॉमेडी, सब हर टाइप की, फाइटिंग वाइटिंग सब आनी चाहिए, इमोशनल, रोना धोना, लड़कियों को पटाना, लड़कियों से बात करना, लड़कियों से मुंह की खाना, लड़की पटाना, तूने दिमाग खराब किया हुआ है आज, तू इसी टॉपिक पे बहुत बोल रहा है, क्या सीन है आज भाई, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आज तक कोई लगता तगड़ा ही काम करना है मेरे भाई ने? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस मैं तो व्लॉग वगैरह बना लेता हूँ, मैं कहाँ लड़की बाजी में पड़ता हूँ, तुम्हें पता तो है, जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत नहीं है भाई, टाइम भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, टाइम, उम्र भी नहीं है, नहीं उम्र है, टाइम, उम्र तो है, उम्र तो, उम्र तो है, टाइम नहीं। चलो भाई, ये गए थे गौरव भाई मीटअप में, बहुत सही रहा, और बहुत बढ़िया, आई होप की कोई यूट्यूबर ही जीते, और आई होप की लव कटारिया ही आगे आए,
और देखते हैं बाकी क्या होता है, दो चार दिन बचे हैं फिनाले के, लेट्स सी क्या होगा भाई। बाकी यूट्यूबर्स को तो भाई फुल सपोर्ट है ऑलवेज, जब भी कोई अपना भाई कम्युनिटी से जाता है यूट्यूब कम्युनिटी से तो उसको दिल से सपोर्ट रहता है भाई, क्योंकि यार हमारा ही तो नाम आगे हो रहा है यूट्यूबर्स का। भाई ये सब सीन हुआ यार, और उसके बाद कटारिया को कर दिया गया भाई घर से बाहर। अब एपिसोड अभी देखूंगा मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ एग्जैक्टली, मैंने अभी एपिसोड देखा नहीं है वो वाला जिसमें कटारिया को बाहर करा गया है। बाकी यार बुरा तो लगी रहेगी, मेरे को ये था कि यार अपना कोई यूट्यूबर भाई आगे है, यूट्यूबर भाई ही आगे पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या कर सकते हैं यार, तो बुरा तो लग रहा है कि कटारिया बाहर है, क्योंकि अब कोई कंटेस्टेंट ऐसा बचा नहीं ना जिसको भाई बोल के दिल से सपोर्ट कर सके। अब तो यार वही है, चलो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी तो यार अब क्या बोले भाई, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जिसने मेरी बिग बॉस वाली वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब के ऊपर जाके देख लो, मेन चैनल के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनी है। इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे और लफड़ा चालू है, वहाँ पे मैंने अपनी रील्स पे कमेंट पिन कर रखी है, जो कमेंट मैंने पिन कर रखी है उस कमेंट के रिप्लाइज देखना आप। ठीक है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। तो चलो गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई सारे खुश रहो और बोलो जय 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 श्री राम, बाय गाइस।